आज दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। 150 किलोमीटर दूर। ये पुणे कटी गला ना। गुड मॉर्निंग बनारस, और मैं आपको और मैं सभी को बनारस से स्वागत करता हूँ। और कल हम रुके थे बनारस में ही और रात को ही पहुँचे थे, थोड़ा लेट हो गया। और ताकि हम प्रयागराज तक जाएंगे लेकिन नहीं जा पाए, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। एनएस इधर से। हाँ, और इसलिए नहीं जा पाए। और हमने सोचा कि हम वाराणसी में ही रुक जाते हैं। बुन्नू भाई का एक दोस्त है, उनके घर में ही रुक गए। और आज फिलहाल प्लान यही है कि हम जाएंगे दिल्ली वाया यमुना एक्सप्रेसवे। आज पहली बार मैं जाऊंगा गाड़ी लेके एक्सप्रेसवे में। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ, और होपफुली आज बारिश थोड़ा कम मिले। भाई फिर से बारिश, ऐसे बारिश हुआ ना तो मैं पहुँचते पहुँचते आज लेट हो जाऊँगा दिल्ली। भाई 850 किलोमीटर जैसे कवर करना है। और कानपुर यहाँ से अभी 250 किलोमीटर है, और मैं कानपुर फतेहपुर वाला रूट, फतेहपुर के बाद कानपुर वो वाला रूट ले रहा हूँ, लखनऊ वाला नहीं। और सभी पूछते हैं कि आप स्कूटी पे कैसे लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पैशन होना चाहिए, एक ही बात है, पैशन होना चाहिए। और गाड़ी वगैरह वो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करके आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा टाइम टू टाइम सर्विसिंग वगैरह वो सब कर लेना, ठीक है। मैं आज जल्दी निकल गया था क्योंकि आज ज़्यादा किलोमीटर कवर करना था, और बुनवाई और कान्हा भाई वो तो स्पीड चलाते हैं, मेरा क्रूज तो वही 70-80 किलोमीटर ही है, उससे ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। गाड़ी का भी कुछ लिमिटेशंस है, तो मैं सुबह निकल गया जल्दी ही 5:30 बजे। और वो तो ये है आज का हमारा भेज थाली। अभी इतना धूप हो रहा है कि नॉनवेज खाने का मन ही नहीं है। आज हम सब लोग भेज खाएंगे, पहले दही खा लिए। इसको करना भूको कैसे लगे सकाल तो क्या है तीन टाइम प्लेट एक लगे भैया ऑर्डर प्लेट डाल। प्लान दिल्ली में दो दिन का स्टे भी है, गाड़ी वगैरह भी सर्विसिंग करना है।
आज दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा, ये तो है। तो देखते हैं आगे। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस हाईवे। फाइनली दिन में होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं। ये लेन सिर्फ टू व्हीलर के लिए है, बड़े व्हीकल के लिए और उस तरफ कार के लिए, ठीक है। अगर कोई भी लेन चेंज करता है तो कैमरा वहाँ पे पकड़ लेगा, और जो भी फाइन है वो आपको टोल गेट में भरवाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। और ये पूरा है एक ही, मतलब यहाँ से ग्रेटर नोएडा 165 है और दिल्ली और 35 शायद, मतलब टोटल दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर होगा। दिल्ली 205, वो पर्ची मतलब रखना पड़ेगा ना। आगे दिखानी पड़ेगी। कहाँ पे कहाँ पे आगे पड़ेगी दो टोल, और दो टोल पड़ेगा ना। गाड़ी नंबर बता। पे टोल टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, यही पर्ची दिखाना पड़ेगा। आगे यही पर्ची दिखानी है दिल्ली तक। दिल्ली तक और दो टोल है ना यहाँ से, और कितने किलोमीटर बाद टोल है? 55। और मैंने टोल टैक्स दे दिया है, और ये पहली बार हुआ है कि मैं टोल टैक्स दे रहा हूँ, बहुत ही खुशी लग रहा है। और दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, मैं जल्दी ही कवर कर लूँगा। Moments late. दिल्ली तक क्या? और कहाँ पे? और कहाँ पे दिखाना होगा? ये आगे दिखाना है अभी। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 50। 50 किलोमीटर के बाद The next. ये पुणी कटी वाला ना गुट्टी चला रोट ठीक तो अच्छे ये लगे नहीं। अरे सर लगे कटर हॉर्न फोन लाइट फाइट किसी काम करियो नहीं। पावर कंजप्शन पे गोटे थाए एक्स्ट्रा गोटे चला रोटा मैं काढ़ी साइड था, एक्स्ट्रा गोटे था गाड़ी में फ्यूज था, दुटा फ्यूज था गोटे, तो मैं इग्निशन पे जो ड्राइव आउट ड्राइव गाड़ी टोटल इलेक्ट्रिक।